नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। प्रत्येक सुहागिन महिला अपने पति की लंबी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और इसके लिए व्रत उपवास भी रखती है। इसमें करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती है। इस बार करवा चौथ के दिन बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार यह तिथि 12 अक्टूबर की रात 2 बजे शुरू होगी और 13 अक्टूबर की रात 3:09 तक रहेगी। उदिया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा उच्च राशि वृषभ में संरचन करेंगे। इस दिन शाम को 6:41 तक कृतिका नक्षत्र और फिर रोहिणी नक्षत्र होगा। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार ये नक्षत्र बेहद ही शुभ है। करवा चौथ के दिन सुबह 11:44 से 12:30 तक अभिभीजित मुहूर्त रहेगा, जबकि 2:03 से लेकर 2:39 तक विजया मुहूर्त रहेगा। वहीं 4:08 से 5:50 के बीच अमृत काल रहेगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत करती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस दिन माता पार्वती समेत भगवान शिव की पूजन किया जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश जी की पूजा करनी जरूरी होती है। कुछ महिलाएं इस दिन सूर्योदय से पहले सर्गी लेती होती फिर दिन भर निर्जला व्रत करती है। व्रत के दौरान करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है तो सास या घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर उनका बायना निकाला जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद छलनी से पति को मुख देखकर व्रत का पारण किया जाता है।